नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है चैनल टिप्स एंड सॉल्यूशन में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रॉब्लम लेके आए हैं एक सीपीयू का। तो हमारे पास एक सीपीयू है और उसमें ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, देख सकते हैं आप। तो इसका क्या प्रॉब्लम है और इसको हम कैसे सही करेंगे, तो इसी बार मैं बताने वाला हूँ। तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखना। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी तरह से वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो को। तो दोस्तों, जैसे हम अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं तो इस तरह से इसमें मैसेज आते हैं, देख सकते हैं आप, CPU फैन नॉट डिटेक्टेड, और नीचे में लिखा हुआ है F1 बूट, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये तो इस तरह से मैसेज आता है इसमें, तो इसको हम ठीक करेंगे। तो सबसे पहले हम बटन बंद कर लेते हैं यहाँ से, और बटन बंद करने के बाद जो है हम केबल वगैरह भी निकाल लेंगे और अपने जो CPU है इसका कैबिनेट निकाल लेंगे। तो कैबिनेट खोलने के लिए हमें दो स्क्रू खोलने हैं, अगल बगल का, एक यहाँ पर का और एक नीचे का। तो चलिए खोल लेते हैं। तो यहाँ एक स्क्रू, इसको खोल लेते हैं, और बगल वाला तो पहले का खुला हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ जैसे आप देखेंगे ना, तो ये फैन का ही प्रॉब्लम है। वहाँ साफ साफ लिखा था कि फैन नॉट डिटेक्टेड करके। तो हम क्या करेंगे, केबल को एक बार निकाल लेते हैं और इसको फिर से लगा देते हैं। हो सकता है लूज होगा, उसके वजह से ये फैन नहीं चल रहा होगा। तो फैन को भी थोड़ा अच्छे से घुमा के इसको फ्री कर लेते हैं, ताकि ये सही हो जाए। उसके बाद देखते हैं इसको चालू करके कि ये चालू होता है कि नहीं होता। तो इसको फ्री कर लिए, अब देखिए इसको हम चालू करेंगे। और इसका जो बटन है ना, ये बटन चालू किए, ये नहीं चल रहा है। फिर भी देखिए ये जाम हो जा रहा है। तो उसके बाद देखते हैं क्या आता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे फैन चालू हुआ ना, तो अब प्रॉब्लम नहीं आया एफोन वाला। तो एक बार और बंद कर लेते हैं इसको और फिर से चालू करके देखते हैं क्या होता है। तो देखिए अब फैन चालू हो गया है और यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, मतलब ये जो सिस्टम है ये सही हो गया। अगर फिर भी ना हो तो दोस्तों आपको ये फैन जो है ना चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए एक बार और चालू करके देखते हैं इसको। देखिए ये चालू हो गया। तो इस तरह से इसमें प्रॉब्लम है दोस्तों, और इसमें कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। अगर फैन अगर ढंग से काम ना करे ना, तो उस कंडीशन में जो है आप अपने फैन को चेंज कर लीजिएगा, और चल जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज चेंज कर। तो वीडियो कैसा लगा यार, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कुछ और नए वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।